राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, वो किस भारत को जोड़ रहे हैं, उनकी नज़र में कौन सा भारत टूटा हुआ है, उनके सलाहकारों ने कौन सा टूटा फूटा भारत उन्हें दिखाया है। राहुल भारत जोड़ रहे हैं और उनके सलाहकारों को ये लग रहा है कि राहुल गांधी को जिस तरह से वो तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी को कृत्रिम बना रहे हैं, वो एक नए राहुल को सामने लाएगा और दरअसल वो भारत को कोई चंद्रगुप्त देने वाले हैं। ऐसी टीम, योगेंद्र यादव जैसे ऐसे ऐसे लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिर वो युग आएगा, वो खैरात का फिर वो युग आएगा और फिर अपनी मौज मस्ती होगी। सत्ता कांग्रेस की होगी, राहुल सुप्रीमो होंगे। राहुल को भी कहीं ना कहीं यह भ्रम अंदर तक समाने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि दाढ़ी सद्दाम हुसैन जैसी, ये दिल्ली की करकराती ठंड में ये हाफ टी शर्ट पहनना उन्हें योगी और तपस्वी साबित कर देगा। इस बदले दौर में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता बढ़ी है, लोकप्रियता बढ़ी है, राहुल के सलाहकारों ने शायद उन्हें समझा दिया कि संत की तरह दिखना, कोरोना काल में जैसे प्रधानमंत्री ने दाढ़ी बढ़ा ली तो संत की तरह दिख रहे थे, उनमें वो दिव्यता आ रही थी। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से ठंड में भी सेम पोशाक में रहते हैं, तो ये दर्शाना कि इस तरह से आम आदमी को लगेगा कि राहुल खास हैं। लेकिन राहुल अपनी हरकतों से, अपने बयान से कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कर देते हैं, यह कहकर के कि उनकी इस यात्रा में कुत्ते भी आए। सुन लीजिए खुद ही वो क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए। कुत्ते नहीं आए इसमें, कुत्ते आए। और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, मैंने देखा। वो तो सब जानवर आए, सब लोग आए। अब इस राहुल गांधी के यात्रा में भला कौन जुड़ना जाएगा, इसीलिए अखिलेश यादव और मायावती ने ये साफ कह दिया है कि इस यात्रा से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, वैसे हमें कोई निमंत्रण भी नहीं मिला, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। आपके मोबाइल पर अगर इन्विटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत ही जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला, हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। वैसे अखिलेश यादव अपने व्यवहार के लिए, अपने बदमिजाजी के लिए आजकल खूब सुर्खियों में रहते हैं। मीडिया कर्मियों ने यदि उनसे कोई सवाल ऐसा पूछ लिया जो उन्हें पसंद नहीं आया तो उनसे वो जाति पूछ लेते हैं, तू तड़ाक करके उससे चैनल पूछ लेते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हारा मालिक कौन है। दरअसल पत्रकारों को कॉन्फिडेंस गिरा करके, उन्हें यह समझा करके कि तुम नौकरी पेशा वाले नौकर हो, अखिलेश अपनी लकीर बड़ी करते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को यह लगता है कि राहुल की जो यात्रा की जो ब्रेकिंग चल रही है, जो शुरू होनी है नए साल में कि 3 जनवरी से, जो साल के आखिर में बंद हुई थी, वो यूपी से होना है और राहुल कहीं उनके वोट ना छीट लें। अखिलेश का अनुभव राहुल गांधी के साथ बहुत खराब है। जब उन्होंने 2017 में राहुल के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और राहुल और अखिलेश की तस्वीर में कहा गया कि दो लड़के निकल पड़े हैं, तो बीजेपी ने उन्हें मजाक का पात्र बना दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि 100 सीट पर कांग्रेस
लड़ी अखिलेश यादव की पार्टी के संग और मात्र 7 सीट 7 विधायक ही कांग्रेस के बन पाए। फिर अखिलेश यादव को ये लगा कि कांग्रेस के साथ होने के कारण उनकी दुर्गति हो गई और फिर 2022 में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ अकेले चुनाव लड़ा तो अकेले वो 111 सीट पा गए। ऐसे में ये लगता है कि अखिलेश यादव को यह एहसास होने लगा कि उनकी ताकत राहुल के बिना बढ़ती है। उनका वोट बैंक जो तुष्टिकरण का है वो 1 है और राहुल यदि इस यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश में घूमेंगे, उनके साथ घूमें या अकेले घूमें, उन्हें क्षति कर ग्रस्त कर सकते हैं। ऐसे में राहुल का ये बयान कि उनके साथ कुत्ते सुअर बिल्ली बिलार सब घूम रहे हैं राहुल गांधी को मजाक का पात्र बनाता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी अपने बड़बोलेपन से या बड़बोलापन ना कहिए, राहुल गांधी बिना स्क्रिप्ट के जब बोलते हैं, सवाल का सामना करते हैं तो यूं फंस जाते हैं, खुद ही कहने लगते हैं कि आपके दिमाग में राहुल गांधी है, मेरे दिमाग में राहुल गांधी नहीं है। अब राहुल ये क्या कहना चाह रहे हैं ये खुद समझ में नहीं आता। सुन लीजिए, सेंस क्या लगी है आपको इस यात्रा से, राहुल गांधी ने क्या जो है सोच आपको मिली है लोगों की, क्योंकि जब से आपने भाई साहब राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर मेरा सवाल ये है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं, बात समझो। सर ट्राई एंड अंडरस्टैंड आप अपने देश की, ये देखो ताली बज रही है, समझ गए आप, समझ गए, एक बंदा समझ गया। सर आपकी देश की फिलॉसफी है ये, इसको समझो आप, फायदा होगा। अब जब राहुल ऐसा कुछ बोलेंगे तो फिर कौन अपने दिमाग में उन्हें डालेगा। ऐसे में मायावती ने भी कह दिया कि हमें राहुल गांधी के इस यात्रा से कोई मतलब नहीं। भाजपा राहुल का मजाक पहले ही उड़ा रही है कि राहुल के परनाना ने भारत को तोड़ा था, पाकिस्तान बना था, सरदार पटेल ने राज्यों का विलय कराया और फिर एक एकीकृत भारत बना। तब से भारत एक ही है, जब से उनके परनाना ने इस भारत को तोड़ा है। अब तो 370 खत्म होकर के कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ऐसे में राहुल कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? राहुल के लक्षणकरण तो अक्सर भारत तोड़ने वाले दिखते हैं, जब वो भारतीय सेना के लिए कहते हैं कि इंडियन आर्मी चीनी सेना के द्वारा पीटी गई, पिटाई हुई। कोई भी दुनिया में कोई भी नेता, राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता अपनी सेना के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। वो राहुल जब अपने स्क्रिप्ट राइटरों के से अलग होकर कुछ बोल जाते हैं तो मजाक का पात्र बन जाते हैं। ऐसे में दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी के साथ कौन खड़ा है और किसके साथ वो भारत जोड़ रहे हैं। जिस कांग्रेस का वजूद 40-44 सीट पर लोकसभा में अटक गई हो, केंद्र में सत्ता की चाह में जिस कांग्रेस के साथ कोई भी क्षेत्रीय छत्र जुड़ने को तैयार नहीं हो, वो कैसा भारत जोड़ रहा है। अखिलेश यादव के सहयोगी जयंत चौधरी ने तो मुखर होकर के कह दिया है कि हमें इस तरह के भारत जोड़ो यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें कतई शामिल नहीं होंगे। भले ही अखिलेश ने ये कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, आपको यदि फोन पर निमंत्रण मिला है तो मुझे भेज दीजिए, साफ है अखिलेश मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल को मजाक का पात्र बनाया जा रहा है तमाम क्षेत्रीय छत्रपों के द्वारा। ऐसे में राहुल के नए स्क्रिप्ट राइटर, राहुल को रिफॉर्म करने वाले वामपंथी गैंग उम्मीद पाले हुए है कि नया साल में कुछ नया मिलने वाला है। नया साल कांग्रेस में कितना नयापन लाता है यह देखना दिलचस्प है। देखना इसलिए दिलचस्प है कि जिस पार्टी के सर्वे सर्वा रहे कद्दावर नेता रहे एके एंटनी कहते हैं कि इस पार्टी की पहचान मुस्लिम परस्त होने की हो गई है, इस पार्टी को इस देश के बहुसंख्यक से जुड़ना ही होगा, तो क्या कांग्रेस इस बात को लेकर के गंभीर है कि जिस तरह से वो लगातार हिंदुओं का अपमान करती है,
जिस तरह से उस मुद्दे पर माफीनामा नहीं लेती कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा गया कि राम और रामायण इस देश के कब वजूद में नहीं है। आज वही राहुल गांधी जिसने कभी कहा कि मंदिर में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, त्रिपुंड लगाए घूमते हैं, दंड पेलते नजर आते हैं, उनकी बहन डुबकी लगाती नजर आती है, राधे राधे करते नजर आती है, ये तस्वीर, ये फ्रेम ये बताता है कि बस जिस तरह से तुष्टीकरण को एक वोट बैंक कांग्रेस ने बनाया, हिंदुओं को एक वोट बैंक बनाना चाहती है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि काल नेमी की तरह ये चेहरा दिखाने वाला है। यदि इसके प्रति समर्पण होता तो कुछ और दिख रहा होता, अतीत में कुछ होता। दरअसल कांग्रेस के अपने कर्म ऐसे हैं अतीत के, जिसके कारण अब कांग्रेस से सटना हर क्षेत्रीय छत्रपों को लगता है कि उनके लिए घटना है, कमजोर होना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक वोट बैंक है जो योगी के इकबाल के बाद भी योगी के खिलाफ जाना है। उस वोट बैंक पर कब्जा करने की मार लगी हुई है। उस मार में अखिलेश को ये लगता है कि कहीं राहुल इस जोड़ो यात्रा से उस पर सेंध न लगा दें। जिस भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी ने उन तमाम राज्यों से दूर रखा जहां चुनाव होने हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश की आखिरी लड़ाई जहां प्रियंका गांधी वाड्रा भी टेस्टेड हो चुकी हुई है, राहुल के इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या मिलना है? राहुल को जो भी मिलना है वो अखिलेश के हिस्से का मिलना है, मायावती के हिस्से का मिलना है। ये लड़ाई फिर वही है। ऐसे में राहुल क्या जोड़ पाते हैं नए साल में, यह सामने दिखेगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।